अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको पिज़्ज़ा ब्रेड बनाना सिखाऊंगी, और पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको वो बताती हूँ। चार कप मैदा, एक अंडा, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भर के ईस्ट चाहिए, और गर्म पानी जिससे हमने इस डो को गूंदना है। चलें स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें मैदे में ही डाल के हम इसकी एक अच्छी सी सख्त सी डो गूंद लेंगे। हाँ जी व्यूवर्स, आपने गर्म पानी के साथ एक अच्छी सी सख्त सी डो गूंद लेनी है। हाँ जी व्यूवर्स, देखिए हमने बहुत अच्छी सी डो गूंद ली है, और अब हम इसको 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ देंगे। हाँ जी व्यूवर्स, पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें आपने 2 टेबलस्पून मक्खन लेना है, 2 टेबलस्पून मैदा लेना है, और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक। वैसे और हम लोगों ने ना जो चिकन लेना है वो हाफ चिकन होगा। आपने चिकन को नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल करना है और क्रश कर लेना है, और एक छोटा सा प्याज चॉप करना है, 2 हरी मिर्च चॉप करनी है, और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, और 1 कप दूध चाहिए होगा हमें। चलिए व्यूवर्स, अब हम आपको बनाने का तरीका बताते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बटर डालेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हमने इसे चॉप किया हुआ प्याज डालना है। इसको हमने ज्यादा करना नहीं, बस हल्का सा सोते करना है। हाँ जी व्यूवर्स, अब हम इसमें ये 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। और आपको मैंने एक बात बतानी थी कि आपने जब ये प्याज को सोते करना है तो आपने लो फ्लेम पे करना है इसको ना, ताकि आपका ये चीज़ें जले ना। हाँ जी व्यूवर्स, जो हमने क्रश करके चिकन रखा हुआ था ये हमने इसमें डालना है। आपने नमक मिर्च का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम चिकन बॉईल करेंगे तो उसमें हम लोग डाल चुके हैं नमक और काली मिर्च डाल के इसको बॉईल करेंगे। ये ना हो कि आपकी चीज़ें इसमें ज़्यादा ऐड हो जाए और वो टेस्टलेस बन जाए, इसलिए आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है कि आपने नमक और काली मिर्च का ध्यान रखना है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ये नमक और काली मिर्च, और इसमें अब हम दूध डालेंगे। हाँ जी व्यूवर्स, ये अब इसमें थोड़ी देर पकेगा और एक सॉफ्ट सी मज़ेदार सी हेल्दी सी मिक्सिंग तैयार हो जानी है। इसमें हम हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे, और मुझे आपको बताना याद थी ना कि आपने इसमें ओरिगैनो भी डालना है। ये इससे बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़े वाला फ्लेवर आएगा आपका, क्योंकि हम पिज़्ज़ा ब्रेड बना रहे हैं। स्पून आपने भर के ओरिगैनो डालना है। हाँ जी व्यूवर्स, ये देखें बहुत अच्छी सी मिक्सिंग तैयार हो गई है, और अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तो फिर हम आपको पिज़्ज़ा ब्रेड की शेप सिखाएंगे। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे से राइज हो गई है। अब हम इसकी एयर निकाल लेंगे, कि एयर निकालनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, और फिर शेल्फ पे हम डालेंगे, थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदे को, और हम इसकी फिश की शक्ल बना लेंगे।
हाँ जी व्यूवर्स, ये देखिए हमने इसका मिक्सचर इसके अंदर रख लिया है और आपने ऐसे वन बाय वन इसको उठाते जाना है और इसके साथ इसको प्रेस करते हुए जाना है ताकि ये आपस में अटैच रहे और खुले ना। हाँ जी व्यूवर्स, हम आपने फोक की मदद से ऐसे निशान बना लेने हैं और इसको ऐसे आपने प्रेस करना है तो ये इसकी टेल बन जाएगी। अब आपने ब्रश की मदद से इसके ऊपर आपने अंडे को ग्रीस करना है और इसके ऊपर कलौंजी या तेल जो आपको आपके घर में अवेलेबल हो वो आपने स्प्रिंकल कर देने हैं तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो जाएगी। मैंने एक पैन को ग्रीस करके रखा हुआ है और अब हम इसको बेक होने के लिए ओवन में रख रहे हैं। हाँ जी व्यूअर्स, बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप इस शेप में गोल छोटी सी रोटी बनाएं और इसका मिक्सचर बीच में रख के आपने ये थोड़ा थोड़ा अंडा या जो चीज़ अवेलेबल हो, पानी हो, कुछ भी हो, इससे योगा ये बहुत अच्छे से एक फ्लावर की शक्ल बन जाएगी और बच्चे बहुत खुश होकर, जो बच्चे लंच में आपको परेशान करते हैं वो हरगिज़ परेशान नहीं करेंगे। आपने ये देखें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से इसको टर्न करते हुए जाना है। अब इसके ऊपर हम अंडा लगाते हैं और इसको बेक कर लेते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो चुकी है और बहुत सॉफ्ट है। आप ये देख सकते हैं भाई, असल में बहुत गर्म है। ये देखें, ज़बरदस्त सी जूसी सी ब्रेड रेडी है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।